हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब मजे में होंगे। तो गाइस, अभी बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, तो पूरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। पीछे देख सकते हो डिस्पैच चल रहे हैं, तो पूरा दिन आज इसी में चले गया भाई साहब। और काइटिज्म पे बहुत ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है। बाकी आज का प्लान ये है कि आज हमें एक सब्सक्राइबर ने अपनी छत पे इन्वाइट किया है। उसका घर उस साइड और छत बहुत अल्टीमेट है। मैंने उसकी वीडियो में देखा था, उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी छत की। तो चलो आज उससे मिलते हैं और वहां से करेंगे पतंगबाजी। हम लोग जाम में फंस रहे हैं, अभी थोड़ा सा ही दूर रह गया उसका घर, अभी ढूंढते हैं। बाकी हवा चल रही है बहुत जबरदस्त, फटाफट पहुंचते ये नहीं देखो पीछे पतंगे लगा रखे हम नीचे साइड साइड। चलो वहीं पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। मिल रहा हूं मैं, अभी हम वेट कर रहे हैं सार्थक लोग। और ये रहा पालम फाटक, इसके पार भाई पटरियां हैं। तो इन लोग भी सोच रहे होंगे कौन आ गए ये यूट्यूब में वीडियो बनाने। तक मालिक देखो चेकिंग करते हुए, ये रे भाई देख सकते हो कितनी अल्टीमेट छत है अपनी। उस साइड है दो टंकी दिख रही है सफेद वाली, वो रेलो पे। हाँ, वही है छत आपकी। हाँ वो दो टावर है ना सीधे सीधे, देख वही अपनी छत। भाई इन्होंने देखो हमारी पतंगे आई थी कट के इस साइड, क्योंकि हवा मैक्स मेजरली इस साइड की चलती है। देखो हमारी पतंगे भी यहाँ पे आ रही है। पिछले साल थी मेरे पास ऐसी पतंगे, पिछले से पिछले साल। हाँ ये भी उड़ाता है। हाँ भाई लूटने वाले बंदे हैं पतंगे लूटने। देख रहे हो पूरी मैदान वाली तैयारी कर रखी है इन्होंने, फुल टेपिंग टैपिंग कर रही है सारी जगह से। अरे वाह जबरदस्त। तो इस साइड कौन उड़ाता है पतंग, यहाँ तो पूरा खाली रहता होगा। नहीं बंदे है अभी स्कूल से आ जाएंगे टेंट वाले फिर। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो पहले तो दीवार भी नहीं थी ना मेरे ख्याल से आगे, अभी तो बनी है आगे जो टॉप की केवी चले जाते थे। नहीं अब कर दी पूरे में। हाँ ये देखो भाई, और ये छत बहुत अल्टीमेट है, मतलब अगर इधर के पेज लड़ रहे हैं तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। कुछ लोग उड़ा रहे हैं, चलो पार करते हैं पतंगे फिर आपको दिखाते हैं करो कितनी अल्टीमेट है। ये विनीत को पसंद नहीं आ रही पता नहीं क्यों, तो इसकी टेस्टिंग करने आए आज हम बेसिकली। कब ली थी भाई ये? जनवरी की डोर है भाई ये, 12 रील 8400 लायन। हाँ जी बरेल लायन देखो, मतलब एक साल हो गया इसको, अराउंड डेढ़ साल ना, डेढ़ साल। इस जनवरी में लिया था, लास्ट जनवरी में? नहीं नहीं इसी जनवरी। अच्छा मतलब 6-7 23 6 महीने के अराउंड, 6 महीने हो गए। डोर बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना बैठ गई है, बाकी इसको समझ नहीं आ रही। और कौन तू इसके अलावा और कौन सी लड़ा रहा है? निंजा। निंजा दिखा भाई। अच्छा ये तो मैंने दी थी, तो ये निंजा मई की ऐसा। हाँ ये पहले आई थी ऐसी चरखियाँ, अब तो सब ट्रांसपेरेंट आ रही है। बाकी देखो कैसा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत बढ़िया भाई मस्त। चलो अरे हमने ही तो दिया था। अरे अभी जो फर्स्ट स्टॉक आया था, फर्स्ट स्टॉक आया था ना मई वाला, लाल किला वाला। ये देखो अरे जब स्टॉक की वीडियो डालती। तो गाइस चलो पार करते हैं, और बहुत अल्टीमेट व्यू है छत का, बहुत अल्टीमेट। ऐसा भी हमारी छत पे तो मिलता नहीं है, बिल्कुल तक को दे दी पता, मेरे को तो डोरी नहीं समझ आ रही उसकी। ये देखो वो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत उसने चढ़ा के लगा रखी हमारे सर के ऊपर, और हम नीचे से हैं। देखो अब क्या होता है, हम नीचे की तरफ से लड़ रहे हैं, थपकियों में गार्ड इसकी तेज मार। अरे खींच मार खत्म कर। बोल देता ना साले चावल Thank you.
अबे फोन नीचे हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। गाइस हमारा घर ये वाला है, ये दो खम्भे है ना जो इसके राइट में जस्ट मिड में दो टंकियां येलो वाला, ये अपना है, काफी दूर है यहाँ से भाई। ये चेक करो व्यू बहुत अमेजिंग है यहाँ का। हाँ भाई ये भी हमसे मिलना आया था, क्या नाम है? रुद्र। क्या? रुद्र। रुद्र भाई। चलो पेज चढ़ाते हैं गाइस, दिखाते हैं फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग। सारा ये सारा एरिया है पालम स्टेशन का, उधर पारमर्स पालम स्टेशन है, दिल्ली गैंड का एरिया, तभी यहाँ पे ज्यादा पतंगे उड़ती नहीं है। तो काट दी क्या? ये लो काट दी भाई। चल 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 खींच लेना यार, सब्जी आ जाएगी, वो मंजा आ जाएगा। अबे आ जाएगा, तू खींच ना, वो बढ़ा लेगा। देखो उठा रहा है वो साथ साथ। अबे नीचे को दबा रहा है भाई, वो फसा के लड़ाने की कोशिश कर रहा है, फसा के लड़ाने नहीं। खुद दबा के कर देना और खींच के कर देना आर पार। भाग गया वो अंदर की साइड खींचता। अरे नहीं मैंने ही सिखाया, तीन ही टिप्स लेते हैं फिर से। रख रहा, रखने दे उसे, घुमाता रहे ऊपर को। भाई वो मोरल डाउन कर देते हैं। किसी की नहीं ऊपर उठा, तू ऊपर उठा। ऐसे क्यों छोड़ रहा है? हाँ उठा के रखा। अबे भाई थक गया मैं। चल भाई, ओ गद्दा मार रहा था, बड़ी पतंग से गद्दा मार दिया अपने। चल के अंधी पार हो गई है, और इधर के पेज काफी डिफरेंट लग रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के पेज डिफरेंट है। देखो घरों के जो हमारा उस साइड एरिया है ना, वहाँ बड़े डिफरेंट पेज, और यहाँ ना पूरा पेज बना के लग रहा है। सही है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बाकी ये व्यू के लेना भाई, यही व्यू वहाँ की पतंग उड़ानी है। तो मैंने काटी है, और ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें इंजॉय करने की होती हैं। ऑडियंस कैसे इंजॉय करेगा भाई फिर? देखो कैच कैच कैच, और बाहर की तरफ खींचता जा, खींचता जा, खींचता जा, खींचता। चल 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 भाई, उड़ा दिए लौंडे। चलो गाइस यहाँ इधर थोड़े पेज कम है, बट चलो दिखाते हैं आपको। वंदे भारत जा रही है ये। ये भी ब्लॉगर है भाई। कौन है? लाइक कर रहे थे, मैं फोन नहीं आया।
कुछ टाइम के बाद ना काइट एसम का डब्बा भी आएगा, ऐसी कंटेनर एक। कहाँ से मंगा? इंडोनेशिया से पतंग मंगानी। बच्चे यहीं पे रोक के ना गाड़ी भाग मिलकर भाग जैसे कोयले की रोकते हैं ना, यहाँ से तोड़ दे। विनीत भाई पतंग पार कर रहा है। निकाल रखे कोई ना? देख निकाल रखे इन्होंने कोयले। यहाँ खड़ी हो जाती थी क्या? हाँ, एक क्रॉसिंग पर खड़ी हो जाती थी। मंजा डाले और रेस लगी भाई, रेस लगी। बहुत बड़े पतंगबाज आ गए सागरपुर के। अरे देख दे, अबे शर्मा क्यों रहा है? अबे दिखा दे। क्या हमसे दिखला? बैग दिखा दे अपना, तेरा कलेक्शन दिखा दे, काइट कलेक्शन अपना। तो भाई ये है तो इसका कलेक्शन, बट ये शर्मा रहा है। अब तेरे को पता भी कौन सी पतंग क्या है? हाँ अच्छा, चल चल बता। ये देखो कन्ने बांध के और टेबिंग करके पहली रखी हुई है। पूरे क्लब काइट फाइटर है। कौन से क्लब से लड़ाता है तू? इसे ही पतंगबाजी कर दी चालू। ये देखो, ये देखो, ये स्काई ब्लू वाली इनकी है भाई। भाई आज कंटेंट बना है। और दिन तो सेम ही बन रहा था। अरे विनीत तू दिखा यार। हाँ, तेरा नाम क्या? नाम तो बता दे। अरे नहीं, इसका नाम सत्यम। चलो ठीक है विनीत। ये अपनी अद्दी है। कौन सी, कहाँ से लाया? कहा क्या फरमा, क्या मेकर बात किया है? अद्दी और मंजोरी से बीच का साइज है मान लो, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर अद्दी नहीं है, बट इशारों पे चलती है पतंग। हाँ पतंग तो काफी, ये वाली बढ़िया लगी मुझे, मेरा फेवरेट डिजाइन है लट्ठेदार। इसको दिल्ली में जेट बोलते हैं वैसे लट्ठेदार। ये है किसकी है? युवान खान। चलो पहला, पहली बार सुना बट ठीक, अच्छी अच्छी पतंग है। हाँ ये भी, ये सुमांगदार। ये कौन है? ये भी मुरादाबाद की है। चल युवान बढ़िया। किस रेंज की पतंग है ये? ये 15-16 के राउंड की रेंज की है। अच्छा अच्छा ठीक है। टोटल कितनी पतंगें होंगी इस बैग में? भाई टोटल 200 प्लस ही है पतंग। भाई साहब इतनी तो मेरे पास भी नहीं है जितनी ये लेकर आ गया। ये देखो, ये सारी पतंगों में कन्ने बांध दिए इनने ऑलरेडी, टेपिंग भी कर दी है। तो यही सही तरीका है पतंगबाजी करने का। अब इसके बाद कौन सी लाया? ये मंजोली लाया था बच्चों को देने के लिए। अच्छा, बच्चे मांगते हैं। अच्छा अच्छा, ये प्लेन मंजोली, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। ये तो ये कितने की? 10-8 कितने की है ये? ये 8 रुपए का सही है। हाँ सही है। पतंग देखो कितनी साफ लग रही है। एक हमारे इधर पतंगें मिलती हैं लोकल, काफी अच्छी है। अभी देखो स्टैम्प भी कुछ इसमें खास सही लगा। 10 रुपए वाली दे गए आप अपने आप। ये कहाँ की पतंग है? कहाँ से ली थी ये? ये भी वहीं से लाया हूँ मैं, चावड़ी बाजार से। अच्छा अच्छा, सुमन भाई की वीडियो देख के। अच्छा सुमन घोष। इसके बाद, अरे वाह डिजाइनर है, जबरदस्त जबरदस्त। अरे इमरान फैंसी की पतंग है, ये तो बहुत अल्टीमेट। बस विनीत को बहुत शौक है पतंग का। अबे कितने साल से उड़ा रहा है तू? भाई मेरे को हो गए 14-15 साल। ये मांझा पहली बनवा लेता अपने लिए, बाकी इसके मांझे भी दिखाता हूँ अभी आपको। इसके बाद ये कौन सी है? मांगदार। ये भी अद्दी है, बहुत जबरदस्त। ये भी अच्छी है, ये भी खटीमा पे है। ये कागज कौन सा है? अजंता है। अजंता है ना ये? वही मैं कहूँ अजंता लग रहा है। 4-7 अजंता, 4-7 बहुत प्यारा। इससे मैं अजंता की पतंगे मिलना ऐसा हो गया मुश्किल। तू कहाँ से ढूंढ के लिए आया ये? बस यहाँ देखिए मैं पहुंच गया। बहुत बढ़िया, ये बच्चों के लाने के सबको देने के लिए। सही है सही है। इमरान फैंसी की है ये अद्दी। हाँ ये अद्दी, ये गोल हैच बहुत प्यारी है। ये देखो, एक तो ना इसका वजन जबरदस्त बनेगा क्योंकि ये पतंग बिल्कुल गोल फर्मे में है। बिल्कुल गोल नहीं, मतलब थोड़ा सा वैसा है बट अच्छा है। ये किस रेंज की पतंग है? ये 14 रुपए की पड़ी थी इमरान फैंसी की। ये अच्छा बढ़िया जबरदस्त। इसके बाद ये प्लेन पतंग है, ये थोड़ी भारी पतंग है, उसको हवा लगने के बाद बहुत भारी पतंग बन जाती है। बिल्कुल गोल फरमाया इसका बिल्कुल। ये देखो, इसको जैसे मर्जी लड़ाओ। ये भी कितने, 14-15 कितने की है? ये भी 14 रुपए वाली है ना ये। हाँ सही, अच्छी लग रही है काफी। कितनी साफ पतंग है भाई ये। तो गाइस बैग भी ले रखा है इसने जबरदस्त। इतनी अजंता मेरे पास नहीं, तेरे को पता है। मैक्सिमम खटीमा पड़ा है मेरे पास। ये लेके आया था सिर्फ रखने के लिए, बट मैं मन नहीं करता मेरे को इंडियन फ्लैग उड़ाने का। अच्छा, मैंने रख रही किया। सही है सही है। देखो गाइस इस टाइप की उड़ा लो एक। ये पतंग मुझे काफी अच्छी लगी। अब इसमें क्या ना, आपको फील भी आ जाएगी झंडे वाली और क्या आ जाएगी, और डिसरिस्पेक्ट वाला सीन भी नहीं है। कहीं जाएगी इधर उधर पटरियों में गिरेगी, उसका कुछ फायदा नहीं है। हाँ ये काफी बढ़िया पतंग है, ये बहुत बढ़िया लग रही था। हाँ ये उड़ाओ भाई, ये बढ़िया रहती है। ये कितने वाली पतंग है? ये तो बच्चों की 10-10 रुपए। अच्छा अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल लोकल पतंग जो मिलती है लोकल मार्केट में ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बट ये अजंता पेपर पे है, ये 10 रुपए की पड़ी थी मेरे को। अच्छा 8-10 के अराउंड। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त।
ये तो बड़ा यूनिक कलर लिया है तू भाई। ये स्पेशल मैं धूप के लिए लाया हूँ। धूप के लिए? अच्छा, धूप में उड़ाने के लिए। तो रात को भी उड़ा सकता है, इसकी विजिबिलिटी बढ़िया रहेगी। ये कौन मेकर है? युवान खान के। अच्छा, युवान खान। ये भी पेपर, ये भी अजंता है? ये भी पेपर अजंता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया पतंग, बाकी ये भी बहुत बढ़िया पतंग है, वजनदार पतंग। ये तो ऐसा लग रहा है पतंग काफी टाइम से रखी हुई थी। पुरानी पतंग ऐसे लगा क्योंकि मार्केट में मिल रहा नहीं अजंता भी, इसलिए पुरानी पतंगे बहुत अपनी बहुत कम मिल रही है। हाँ। मिल रही है, महंगी मिल रही है फिर भी, बट प्राइस ठीक मिला मेरे को 15 रुपए, तो मैं लिया है। मतलब तेरी मैक्सिमम पतंगे 15-16 10 से 15-17 तक तक है ना? 10 अराउंड। तो यही बेस्ट रहती है पतंगे छत से उड़ाने के लिए। देखो अभी भी खत्म नहीं हुई है, चले जा रही है। बाकी अपन मंजा लगा रहे इस बारी, 3 मंजे अपने पास, बरिल लायन, अफसर और निंजा, थर्ड डिग्री टॉर्चर। अच्छा, ये दो भाई तो अपने रियो भाई से लिए मैंने। हाँ, ये पहला वाला स्टॉक है, मई वाला जो फर्स्ट टाइम आया था, स्टॉक आया था। ये देखो क्वालिटी चेक करो इसका, रिस्पांस बाकी विनीत बता ही देगा आपको भाई, बहुत प्यारा रिस्पांस है। अच्छा, ये अफसर का बता, मैंने 17-18 पेज काटे ये मंजा लेने के बाद। अच्छा, और जून में। हाँ नहीं, तो बहुत कम लोग उड़ाते फिर भी ये जबरदस्त डोर हो गई। अब 3-4 महीने रख के इसको, ये आपके साइड, ये मैंने पिछले साल बहुत यूज करा है, 15 अगस्त से पहले 12 रील यूज कर। अच्छा, ये मैंने आपको जैसे गाइस दिखाई अभी पहले भी, ये बल खुली डोर है पूरी, ये मैंने अपने निकाली थी, फिर मेरे को और जरगड़े भी आ गए इसलिए मैंने कहा चलो दे देता हूँ विनीत को भी चाहिए था, मैंने कहा चल यही वाला ले जा। ये तो तूने ज्यादा उड़ाया नहीं है? नहीं, ये स्पेशल 15 अगस्त के लिए रखा है, कहीं रेंज नहीं हुआ तो। हाँ, सही है, सेफ साइड रहने के लिए। और ये रहा बरेल लाइन है, ये जनवरी की डोर है। अच्छा, जबरदस्त, ये बढ़िया डोर लगी मुझे, मैंने उड़ाई भी, खैर तेरे हाथ में बैठ नहीं थी। हाँ, बट कोई नहीं भाई, क्या हो गया, मई के बाद बैठी नहीं बिल्कुल भी। देखो देखो, फिर शांत हो गया ये। और ये दो भाई भी आ रखे हैं, भाई नाम बताना अपना। देखो उसको दिखाओ, पहले जा रहा है, किसको किसको दिखाना है वो? देखो पटरी पे ले जा रहा है, लूटते हो, बेच देगा। देखो ये, देखो ये ले जा रहा बच्चा, ये बिकती है पतंगे? बिक जाती है, बेच देते हैं। अरे वाह, 10-10 रुपए में। चाचा यही है अपना स्टॉक, सद्दी ओसवाल लगा रही है, ओसवाल नंबर। और सार्थक उधर पतंगबाजी कर रहा है, पतंग टॉप पे लगा रखी है। बस देखो कितनी खतरनाक इसने स्टॉक जमा कर रखा है। अब रुकना है और मंगानी है? नहीं, और आनी है अभी। अबे भाई कितनी उड़ाएगा, 100 सार्थक देखियो, हमारे पास भी नहीं है इतनी। और भाई सारे देखो कन्ने अन्ने बांध रखे, 250 में। अबे क्या, अच्छा सारी ट्रेन भाई। हाँ, ज्यादा कटती हूँ क्या? सही है, देखो मेरा चेला पहले पहुंच गया। देखो ये लगा भी छत पे था ना, ये यहाँ पहुंच गया। देखो ये, देखो इसको, जबरदस्त भाई, मजा आ गया। पटरी वर्सी छत होने वाला अभी, और दबा दी पतंग। अरे भाग रहा है, ये तो फिर लिफ्ट के लिए आएंगे। नहीं, वो पटरी पार चली जाएगी, कन्ने काट दिया। ओ, काट गई भाई, कन्ने काट दिए। अच्छा, पतंग फट गया ना इसके ऊपर, उधर के मैदान में। ये देखो ये कौन सा स्टाइल है भाई। और देखो बहुत बेहतरीन पेच चल रहा है इनका। हाँ भाई, कैसे लड़ाएगा तू पेच? ढील से, खींच से? ढील से, चल ठीक है, रेड वाले से करेगा। ऐसे भाई रेड वाला है ना, इससे पेच हो रहा है, और ये ऊपर वाली पतंग इसकी है। चल लड़ा दे, लड़ा दे। अरे यार तू ही खींच दे, तुम दोनों उड़ाते ना? हम तो कब से उड़ा रहे हैं। अरे वाह, हम दोनों तो सुबह से उड़ा रहे हैं, आज सुबह से धूप ही गा दी ले जाएंगे। बहुत बढ़िया गाइस, पेच लड़ा, पेच लड़ा, ये रेड वाला ऊपर से आ गया। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मार, बहुत बढ़िया पेच, खींच उल्टी खींचिए उसके ऊपर। अड़ाए रख, ऐसी अड़ाए रख, गई अपनी। ये कैसे काट रहा है बंदा? वैसे इसने डुबो दी थी, हवा छोड़ दी उस पतंग ने। चलो ये एक और पेच चल रहा है, चलो पार करके दिखाते हैं आपको एक और। ये चेक करो, ये टैलेंट भाई सागरपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये देखो अभी ट्रांसफार्मर बन जाएगा थोड़ी देर में। भाई इतनी स्पीड से लपेट रहा है भाई, जबरदस्त। ये देखो ये पन्नी हो रही ना, सारी पतंगे
तो एकदम मन करता है उड़ाई लो वरना भी तुम नीचे उतर जाते। मैं तो आलस आ जाता करने बनने में, तीन चार उड़ाई फिर नीचे उतर गए। बहुत बेहतरीन पेच काट दिया, ये देखो जा रहा है। और ये थपकियों का पेच किसने लाया था? अरे वाह, कौन सी वाली वीडियो? पतंग वाली। अब तू शर्मा रहा है, एडिटिंग में टाइम लगेगा तेरा पार्ट काट करने में, काटने में है? काटना है, पूरा रखना है क्या? तेरा पार्ट जो तू था नहीं रख दे। अच्छा वैसे झंडे पे इन्होंने लगा रखा, और हमारी छत से यही दिखता था झंडा, वहाँ उधर से भाई यही दिखता था। ओ भाई अरे बहुत बढ़िया, ये भी भाई कौन से क्लब से लड़ाते हो तुम? खींच रहा है भाई, बढ़िया खींच रहा है भाई बिल्कुल। ये देखो अरे क्या बात, चले भाई यार तक चलो भाई लेट्स गो। सीढ़ी से नीचे नहीं उतरा जा रहा। अबे भाई क्या फायदा थी लंबी हाइट का? अरे तो क्या क्या फायदा भाई, सीधा यहाँ से देख नीचे जाएगा। आजा बड़ा बड़ा, ये देखो भाई यार, अरे कुछ नहीं हो रहा, आजा।